नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैं पेश हो गया हूं। 10 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ही हो पाते हैं, परंतु पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं, राइट। तो देखो मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, तो देखते चलना कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं आज के। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जो है रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 11 जनवरी से आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बेस्ट बैचेस आ रहे हैं, राइट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, बेस्ट एजुकेटर्स रहेंगे, ये जो एजुकेटर्स हैं ये एजुकेटर्स आपकी बैचेस को लेंगे। इसी के साथ साथ देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2, अगर आपको लग रहा है सीबीटी 1 आपका क्रैक हो चुका है, राइट, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहां जाके एंड का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बैचेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, टॉप एजुकेटर के द्वारा रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। और यहां पर जो है अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट्स होंगे और वीकली क्विज और मॉक टेस्ट भी होंगे और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी बैचेस आ रही है, तो ये जो बैचेस है ये होंगी 11th ऑफ जैन से, राइट। और देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ द बैचेस है जो कि 11 जनवरी से हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, अनलिमिटेड एक्सेस है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराया जाएगा, उसके बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा, राइट, क्विज हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर आपके लिए बैचेस लाई जा रही है। और देखिए अगर आप ये जो प्लान्स हैं अगर ये लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 12 मंथ्स का पड़ेगा 6000 का। अगर आप हमारा कोड लगाएंगे गुरु टिप्स तो आपको इंस्टेंटली 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए प्राइस हाइक होने वाले हैं, जिनको भी लेना है वो जल्दी से ले लीजिए, राइट। इसके आपके लिए एक और ऑफर है, कॉम्बो ऑफर, अगर आप एसएससी बैंक और रेलवे तीनों का लेते हैं तो आपको जो है इतनी प्राइजेस मिलेंगी। ये ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं, हमारा कोड क्या है गुरु टिप्स, राइट, ये लगाएंगे 10% का जो है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 5, उसके बाद 18, फिर 70, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचो कैसे क्या सॉल्व करना है। 5, 18, 70 ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आप पाओगे कि मल्टीप्लाई बाय 4 किया उसके बाद माइनस 2 कर दिया, इसका मतलब 4, 5, 20 माइनस 2, सेम फैशन में यहां 72 माइनस 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 कितना 70, तो मुझे यहां पर भी नेक्स्ट नंबर के लिए करना पड़ेगा 70 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 मतलब 280 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 278। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 4 संख्याओं का एवरेज है 68, 25 के जगह पे 45 लिखा गया तो ओरिजिनल एवरेज बताओ। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो सिंपल वे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 into 68 जो कि टोटल होता है 2720। अब देखो 25 की जगह पे 45 लिखा गया, मतलब अगर मुझे ओरिजिनल पता करना है तो मुझे 20 की इसमें कमी करनी होगी, कितने की, इससे 20 की कमी करनी होगी, तो ये हो जाएगा 2700। और अब मुझे न्यू एवरेज के लिए कितनी संख्या है 40 है, तो मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा 67.5। अब देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर मैंने यहां देखा 20 की कमी हो रही है, 40 संख्या है, 40 संख्याएं हैं, ठीक है, कितने की कमी हो रही है 20 की कमी हो रही है, तो पर संख्या में 1/2 की कमी हो जाएगी, मतलब यहां से मैं सीधे माइनस 0.5 अगर मैं माइनस करूं तो 67.5 आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता, राइट। दो तरीके हैं, सोच के ऊपर डिपेंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था कि बोट स्पीड जो दी गई थी शांत जल में जो नाव की स्पीड थी वो थी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है डाउन स्ट्रीम में मतलब क्या हो रहा है, बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड में क्या हो रहा है, 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर तक जाता है, तो धारा की गति ज्ञात करनी थी। तो कैसे करते, आपको पता है क्या कि
जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर जो है ये कौन सा केस है, डाउनस्ट्रीम का, मतलब 11 जो बोट की स्पीड होगी शांत जल में प्लस 1 जो धारा की गति होगी, प्लस होगा क्यों, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, विच विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 28 किलोमीटर, और टाइम कितना दे गया है 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 1/3, राइट। इसको सॉल्व करोगे, मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/6, 6/7, 7/3, तो 3 चला गया ऊपर, राइट। ये किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 11 + x = कितना, ये 4 बार, तो ये हो गया क्या 12, तो x कितना जाएगा 1 किलोमीटर पर आर। तो करंट की जो स्पीड, धारा की गति आ जाएगी कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड सेम है, सपोज ए ए है, राइट। वैल्यू पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन चलो ये ले लेते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड पूछ रहा है आपको क्या पता है, √3/4a² = क्या होता है, इसका एरिया होता है। तो अगर ए साइड है तो √3/4a² = 48, बस इसको सॉल्व करना था, तो a² = क्या हो जाता, 4 × 48 √3। चलो अब a = इस पूरे का अंडर रूट कर देते, राइट, तो आपके सामने आंसर निकल के आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बोला था कि अगर आपका सेलिंग प्राइस है 150 और कॉस्ट प्राइस है 100, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था। तो देखो कितने में उसने खरीदा, इतने में खरीदा, बेचा कितने में, 150 में कितने की बढ़ोतरी हुई, 50 की, किस पर, खरीदी पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 50% का उसको प्रॉफिट निकल के आ जाता। बड़े आसानी से आप इन सब क्वेश्चन को कर सकते थे। फाइंड मीन, इसका मीन, मीन मतलब मीन और एवरेज, दोनों बात सेम है, राइट। कुछ भी निकाल लो, एवरेज निकाल लो या मीन निकालो, बात बराबर है। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने हैं, राइट। चलो सम क्या है, कितना, 11 प्लस ये कितना हो गया, ये 230, 30, 40, 40 और 5, 45 और 13, मतलब 58 बटे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, चलो 58/5, इसका अर्थ कितना हो गया, मतलब 11.6 आपका जो है मीन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते साथ बता दोगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो यहां बोला गया, अच्छा जो थीटा का मान है वो 0 से लेके कब तक होगा, 0 से लेके 90 तक होगा, राइट। तो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या, तो आपको पता है अगर अगर साइन, अगर थीटा मैं रखूं 45 डिग्री, तो आपको पता है साइन 45 माइनस कॉस 45 क्या हो जाता है, 0, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है, तो थीटा निकल के कितना आ जाएगा 45 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक बॉर्ड मास का क्वेश्चन आया था, बॉर्ड मास का क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्या बोला गया था, 72/3 + 9 - 2 × 3 (3 - 2), इसको सॉल्व करना था। चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहां हो जाएगा कितना, यहां हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा क्या आपका 9, तो यहां क्या हो जाएगा पूरा इतना हो जाएगा 7, और यहां देख लेते हैं ये कितना हो गया 24 + 7, मतलब कितना हो गया 6, 31 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था कि 0.33 + 0.033 + 0.003 + 3.3 = what, ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन आया था, डिजिट थोड़े शायद इधर उधर हैं, 8 ऐसा कुछ था, ठीक है, समझो यही क्वेश्चन था, राइट। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सिंपल वे में है, जो पॉइंट है पॉइंट को अपनी जगह में रखो, पहले वाले को लिखा 0.33, दूसरे वाले को क्या लिखोगे 0.033, और तीसरे वाले को 0.03, राइट, और इसको 3.300, यहां 0 यहां 0, बस पॉइंट को यहां रखना था, दैट्स ऑल। तो ये क्या हो गया 3 और 3 6, यहां हो गया 6 और यहां हो गया 6 और यहां हो गया 3,
तो क्या निकल गया, गया 3.666 राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला गया था कि एमआरपी अगर 125 है, इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 12% का, तो सेल प्राइस क्या निकल के आएगा। तो देखो यहां पर आपको एक बात पता होगा, बस वो ये चेक कर रहा था कि आपको पता है कि नहीं कि जो डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट होता है वो किस पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। तो एमआरपी है अगर 125 तो 12% का डिस्काउंट है, कितने का, 12% का डिस्काउंट है राइट। तो आप एक बात बताओ, 12 बटे अगर मैं 100 करूं तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा 3/25। इसका मतलब 25 से कितना हो जाना, 22 हो जाना। ये क्या है, ये एमपी है और ये क्या है, ये एसपी है, मार्केट प्राइस और सेल प्राइस। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना दिया गया, 125 मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको भी मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो कितना जाएगा, 110। आप इस तरीके से भी निकाल के आ सकते थे कि 110 इज दी सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों ये था आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसी के साथ साथ चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एनालिसिस में, एनालिसिस के सेशंस में, आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।